हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोवी फ्रेश ओ जेड ऑइंटमेंट के बारे में। इसके फ़ायदे, इसके नुकसान और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कितने दिन तक इस्तेमाल करना होता है, इन सभी बातों को भी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, पोवी फ्रेश ओजेट ऑइंटमेंट आती है स्मार्ट लेबोरेटरीज कंपनी की, और इसमें जो सॉल्ट होता है वो होता है पोविडोन आयोडाइन विद ऑर्निडाजोल ऑइंटमेंट, और इसका जो एमआरपी है वो है 70 रुपये, और ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है तो आपको थोड़ा कम रेट में भी मिल सकती है। दोस्तों, ये वाटर प्रूफ होती है, यानी कि पानी में इस अगर घाव के ऊपर इसको लगा लिया, ऊपर से पानी भी चला गया तो घाव के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑयली बेस होती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके उपयोग की, किस काम इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, पोवी फ्रेश ओजेड ऑइंटमेंट का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसका मेन काम होता है बैक्टीरिया के संक्रमण को रोक के, बैक्टीरिया को ये बढ़ने नहीं देती है और जख्म घाव वगैरह को सुखा देती है। ठीक है, इसका उपयोग आग से जल जाने पर जो फोड़े वगैरह पड़ जाते हैं, आग से जलने पर जो जख्म होते हैं उनको ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। फोड़ा फुंसी, जख्म, घाव या फिर किसी हथियार वगैरह से कट वगैरह लग जाना, चाकू वगैरह से कट जाना, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसे घर में रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। कभी भी कोई चोट वगैरह लगती है घर में बच्चों को या फिर बड़ों को, या फिर चाकू वगैरह चलाते समय किचन वगैरह में कट जाने पर, आप इसे तुरंत ही लगा सकते हैं और बैंडेज वगैरह पट्टी भी साथ में इसके ऊपर से कर सकते हैं, और ये किसी को भी लगा सकते हैं। इसका वैसे कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। जैसे कि पुराना घाव वगैरह हो, मवाद वाले घाव को सुखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ऑपरेशन में जो टांके वगैरह आते हैं उनको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुष्ठ रोग में जो छाले पड़ जाते हैं उसको ठीक करने के लिए भी इस क्रीम को लगाया जाता है। बेड सोर की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट को लगाया, इस ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है। छाले वगैरह हो गए हों उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गुप्ता अंगों में इन्फेक्शन या योनि के अंदर संक्रमण या फिर छाले हो जाना, सनबर्न की प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये घाव वगैरह, जख्म वगैरह सुखाने के लिए बहुत बढ़िया ट्यूब होती है, और इसे सुबह शाम लगाना चाहिए। बैंडेज भी कर सकते हैं, ऊपर पट्टी के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल सिंपल वैसे भी आप लगा सकते हैं जख्म घाव पर। और इसका उपयोग जब तक आपका ये जख्म वगैरह ठीक नहीं होता तब तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी आप इसे 10-15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं लगातार। और दोस्तों, इसका वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट तो खास नहीं होता है, फिर भी अगर इसको लगाने से आपको उस जगह पर जलन या फिर खुजली या फिर रेडनेस होती है या फिर दाने निकल रहे उस जगह पर, तो आप इसे तुरंत बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।